हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आप गूगल डॉक्स को लैपटॉप एंड मोबाइल डिवाइसेज में ओपन या एक्सेस कैसे करें। इसके बाद गूगल डॉक्स के बेसिक एलिमेंट्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लैपटॉप में जो ऑप्शंस है उनको एक्सप्लोर करते हैं। तो लैपटॉप में आपको गूगल डॉक्स ओपन करने के लिए अपना कोई ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर रखा है। गूगल क्रोम में आप जैसे ही ओपन करते हो आपको बाय डिफ़ॉल्ट साइन इन करना पड़ता है, बट अगर आप कोई दूसरा ब्राउजर यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे अपने गूगल या जीमेल अकाउंट से आपको लॉगिन करना है। जैसे यहाँ पे मैंने अपने गूगल अकाउंट से लॉगिन किया हुआ है। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि आप गूगल डॉक्स को ओपन कैसे करें। तो इसके काफ़ी तरीके हैं, इस वीडियो में हम 2-3 तरीके सीखेंगे। जैसे आपको यहाँ पर गूगल एप्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पर ड्राइव का ऑप्शन दिखेगा, तो आप गूगल ड्राइव से भी गूगल डॉक्स को एक्सेस कर सकते हो। आपको गूगल ड्राइव में यहाँ न्यू करके ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको गूगल डॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो इससे डॉक्स ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका है, आपको फिर से गूगल एप्स पे क्लिक करना है। फिर स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको डॉक्स का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके भी आप डॉक्स को ओपन कर सकते हो। या फिर आप यहाँ पे गूगल डॉक्स सर्च कर सकते हो और जो आपको पहला लिंक दिखेगा उस पर क्लिक करना है। फिर आपको गो टू डॉक्स पे क्लिक करना है, तो इससे भी गूगल डॉक्स ओपन हो जाएगा। तो जैसे ही आप गूगल डॉक्स ओपन करोगे आपको अलग अलग टाइप की टेम्पलेट्स दिखेगी, जैसे ब्लैंक डॉक्यूमेंट, रेज्यूमे, लेटर, प्रोजेक्ट प्रपोजल, और उसके नीचे अगर आपने पहले कोई डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए हैं तो वो सब यहाँ पे दिखेंगे। तो इनको भी आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। इस वीडियो में हम ब्लैंक डॉक्यूमेंट से शुरू करेंगे, तो आपको इस प्लस आइकन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक ब्लैंक गूगल डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है। नेक्स्ट हम गूगल डॉक्स के बेसिक एलिमेंट्स को वन बाई वन एक्सप्लोर करेंगे। तो डॉक्स के टॉप लेफ्ट में आपको डॉक्स होम का ऑप्शन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके आप अलग अलग टाइप की टेम्पलेट्स या आपके जो भी रिसेंट डॉक्यूमेंट्स थे उनको आप एक्सेस कर सकते हो। डॉक्स होम के राइट में आपको नाम दिख रहा है, जैसे यहाँ पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट, मतलब ये डॉक्यूमेंट का नाम है। यहाँ पे आप डबल क्लिक करके इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मैं इसका नाम डाल देता हूँ डॉक्स बेसिक एलिमेंट्स, तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का नाम सेव हो चुका है। गूगल डॉक्यूमेंट के राइट में आपको स्टार का आइकन दिख रहा है, उस पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को बुकमार्क कर सकते हो। और जो भी डॉक्यूमेंट बुकमार्क होते हैं उनका एक अलग से फोल्डर बन जाता है, तो आपको उसको एक्सेस करने के लिए डॉक्स होम पे जाना है। फिर आपको यहाँ पे जो फोल्डर का आइकन दिख रहा है, ओपन फाइल पिकर, उस पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको स्टार्ट वाला जो सेक्शन दिखेगा उसमें ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। स्टार के राइट में आपको मूव का आइकन दिखेगा, तो इस पर क्लिक करके आप ड्राइव के अंदर इस डॉक्यूमेंट की फोल्डर लोकेशन चेंज कर सकते हो। जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे, अभी ये डॉक्यूमेंट है वो गूगल ड्राइव के होम पेज पे है। इसकी हम लोकेशन लेट से यहाँ डॉक्स वाले फोल्डर में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पर आप इसको मूव करवा सकते हो। तो ये डॉक्यूमेंट है अभी डॉक्स वाले फोल्डर में चला गया है। नेक्स्ट मूव के राइट में आपको डॉक्यूमेंट स्टेटस दिखेगा, मतलब इस डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी चेंजेस करोगे तो यहाँ स्टेटस पे चेक कर सकते हो वो चेंजेस सेव हुए हैं कि नहीं। लेट्स से मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हेलो यूट्यूब, तो यहाँ पे देखो ये सेव हो रहा है अभी, और आपको दिख रहा है सेव टू ड्राइव, मतलब अभी ड्राइव में सेव हो चुका है। तो ये आइकन डॉक्यूमेंट स्टेटस चेक करने के लिए यूज होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट नेम के नीचे आपको अलग अलग टैब्स दिखेगी, जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, टूल्स, एक्सटेंशंस, एंड हर एक टैब में आपको अलग अलग टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे फाइल में न्यू, ओपन, ये सब ऑप्शंस है। ऐसे ही एडिट में अंडू रीडू के ऑप्शंस है, व्यू में अलग अलग ये ऑप्शंस है, ऐसे ही इंसर्ट में इमेज, टेबल, ये सब इंसर्ट करने के ऑप्शंस है। तो ये जो भी ऑप्शंस है आगे वाले वीडियोस में हम वन बाय वन एक्सप्लोर करने वाले हैं। इसके बाद टैब्स के नीचे आपको एक टूल बार दिखेगा और इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। स्टार्टिंग में आपको अंडू रीडू का ऑप्शन दिख रहा है, फिर आपको प्रिंट, स्पेलिंग चेक, पेंट फॉर्मेट, फिर यहाँ पे जूम का ऑप्शन दिख रहा है, फिर आपको यहाँ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस है, और यहाँ पे आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस दिखेंगे। तो इस टूल बार में गूगल डॉक्स में जो भी मोस्टली यूज्ड ऑप्शंस है उनके शॉर्टकट बने हुए हैं, मतलब जो भी ऑप्शन सबसे ज़्यादा यूज होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। उसके बाद टॉप राइट में आपको कमेंट, हिस्ट्री एंड शेयर के ऑप्शंस दिख रहे हैं, मतलब ये डॉक्यूमेंट आप अपने कोलीग्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर करके कोलैबोरेटिवली एडिट कर सकते हो। और इस डॉक्यूमेंट के जो भी कमेंट्स है, आपके जो भी फ्रेंड्स कमेंट्स करेंगे वो इस कमेंट हिस्ट्री में आपको मिल जाएंगे। एंड यहाँ पे आपको गूगल मीट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करके आप इंस्टेंट मीटिंग्स, वीडियो कॉल्स वगैरह शेड्यूल कर सकते हो। इसके अलावा राइट साइड में आपको एक साइड पैनल दिखेगा जिसमें गूगल वर्कस्पेस के और भी काफ़ी ऐप्स है, जैसे गूगल कैलेंडर, इसमें आप अलग अलग मीटिंग शेड्यूल कर सकते हो। यहाँ पे गूगल कीप है, आपको कुछ नोट्स ऐड करना है तो वो कर सकते हो। नीचे गूगल टास्क दिखेगा, मतलब आपको कोई टास्क लिस्ट बनाना है तो वो ऐड कर सकते हो। यहाँ पे गूगल कॉन्टैक्ट्स है, मतलब आपके जो भी कॉन्टैक्ट्स है आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो उनको। यहाँ पे गूगल मैप्स है, मतलब आपको कुछ लोकेशन वगैरह ऐड करना है डॉक्यूमेंट में तो यहाँ से डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको प्लस का आइकन दिखेगा, तो आपको जो भी गूगल डॉक्स में थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर्स या एडोन्स ऐड करने हैं यहाँ प्लस पे क्लिक करके उनको ऐड कर सकते हो। एंड साइड पैनल में नीचे एकदम आपको एक एरो दिख रहा है, उस पर क्लिक करके साइड पैनल को हाइड या अनहाइड कर सकते हो। ऐसे ही जो मेन्यू है, मतलब फाइल या डॉक्यूमेंट नेम वगैरह, उसको भी आप इस टॉप एरो पे क्लिक करके हाइड या अनहाइड कर सकते हो। एंड अगर आपको जानना है कि इस डॉक्यूमेंट में लास्ट चेंजेस कब हुए थे तो आपको यहाँ पे दिखेगा लास्ट एडिट वाज 6 मिनट्स अगो, मतलब 6 मिनट पहले इसमें कुछ एडिट हुआ था। उसके बाद टूल बार के नीचे आपको हॉरिजॉन्टल रूलर दिख रहा है एंड यहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको वर्टिकल रूलर दिखेगा। अगर किसी को नहीं दिख रहा है तो आपको यहाँ व्यू वाली टैब पे क्लिक करना है और 100 रूलर है उसको टिक मार्क करना है, तो इससे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूलर दोनों आ जाएंगे। इन रूलर्स को यूज़ करके आप मार्जिन सेट कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल रूलर है इसमें लेफ्ट इंडेंट है, मैं इसको आगे की तरफ शिफ्ट करता हूँ, फिर यहाँ पे आप जो भी एंटर करोगे वो इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। ऐसे ही आप यहाँ पे राइट इंडेंट है उसको भी आगे की तरफ या पीछे की तरफ शिफ्ट कर सकते हो। तो पेज में मार्जिन वगैरह ऐड करने के लिए आप रूलर यूज़ कर सकते हो। एंड गूगल डॉक्यूमेंट में आपको लेफ्ट में समरी एंड आउटलाइन का ऑप्शन दिखेगा, तो आप यहाँ प्लस पे क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट की समरी ऐड कर सकते हो। आउटलाइन में बेसिकली आप इस डॉक्यूमेंट में जो भी टाइटल या हेडिंग्स ऐड करोगे वो आपको यहाँ पे आउटलाइन में दिखेगी। नेक्स्ट हम सीखेंगे कि मोबाइल में गूगल डॉक्स को ओपन कैसे करें और मोबाइल में आपको गूगल डॉक्स के क्या क्या बेसिक एलिमेंट ऑप्शंस मिलेंगे। तो मोबाइल में भी आप इसे गूगल ड्राइव से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। आपको ड्राइव का जो ऐप है उसको ओपन करना है, फिर यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिखेगा उस पर क्लिक करके फिर आप गूगल डॉक्स पर क्लिक करोगे तो इससे गूगल डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। या दूसरा तरीका है गूगल डॉक्स या डॉक्स का जो ऐप है उस पर क्लिक करना है और इससे आप डायरेक्टली गूगल डॉक्स को ओपन कर सकते हो। एंड गूगल डॉक्स की बेस्ट चीज़ ये है कि अगर आपने लैपटॉप में सेम ही गूगल अकाउंट यूज़ करके एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया है तो आप मोबाइल में भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं लैपटॉप एंड मोबाइल दोनों में सेम ही गूगल अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ और हमने लैपटॉप में जो भी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया था वो आपको यहाँ टॉप में दिख रहा है डॉक्स बेसिक एलिमेंट्स। जैसे मैं इसको ओपन करूँगा, हमने लैपटॉप में जो भी यहाँ पे टेक्स्ट एंटर किया था वो सब यहाँ पे आ चुका है। तो जैसे ही मोबाइल में आप कोई गूगल डॉक्यूमेंट ओपन करते हो आपको टॉप में इसका नाम दिखेगा, उस पर क्लिक करके आप इसका नाम चेंज कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट नेम के राइट में शेयर का ऑप्शन दिखेगा एंड कमेंट का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली आप अपने कोलिग्स फ्रेंड्स के साथ शेयर करके उनके जो भी कमेंट्स है वो सब इस कमेंट हिस्ट्री वाले ऑप्शन में चेक कर सकते हो। उसके बाद कमेंट्स के राइट में आपको 3 डॉट्स दिखेगी, उन पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जैसे प्रिंट लेआउट, सजेस्ट चेंजेस, डॉक्यूमेंट आउटलाइन। तो आगे के आने वाले वीडियोस में ये ऑप्शंस हम अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद गूगल डॉक्यूमेंट के बॉटम राइट में आपको एक पेंसिल का आइकन दिखेगा, तो उस पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हो। जैसे ये डॉक्यूमेंट एडिटिंग स्टेट में आएगा आपको यहाँ कुछ अलग ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे टॉप में एक टिक मार्क दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके आप इस डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हो। तो यहाँ पे लेट्स से मैं कुछ ऐसे ही लिख देता हूँ, नॉलेज गेनर, और यहाँ पे मैं टिक मार्क पे क्लिक करूँगा तो ये डॉक्यूमेंट अभी सेव हो रहा है। और देखो ऑल चेंजेस सेव्ड, मतलब ये डॉक्यूमेंट सेव हो चुका है। फिर से हम पेंसिल पे क्लिक करके इसको एडिट करते हैं। उसके बाद टिक मार्क के राइट में आपको अंडू एंड रीडू के ऑप्शन है, तो अंडू पे क्लिक करके हमने जो भी लास्ट चेंजेस किए थे उनको अंडू कर सकते हैं, रीडू पे क्लिक करके उनको हम फिर से ला सकते हैं। उसके बाद अंडू रीडू के राइट में आपको कैपिटल ए करके ऑप्शन दिख रहा है, उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, ऐसे ही आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के भी कुछ ऑप्शंस दिखेंगे। नेक्स्ट आपको एक प्लस आइकन का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो इंसर्ट टैब में जो भी ऑप्शंस आते हैं, इंसर्ट लिंक, कमेंट, इमेज, टेबल, तो वो सब ऑप्शंस यहाँ पे आ जाएंगे। उसके बाद प्लस के राइट में कमेंट एंड फिर से वही 3 डॉट्स आ रही है जो हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर किए। नेक्स्ट आपको गूगल डॉक्यूमेंट के नीचे एक टूल बार दिखेगा जिसमें टेक्स्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग के कुछ शॉर्टकट ऑप्शन है, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सब ऑप्शन है। ऐसी पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, अलाइनमेंट, बुलेट एंड नंबरिंग, ये सब ऑप्शन है। तो इस वीडियो में हमने जाना कि आप लैपटॉप एंड मोबाइल में गूगल डॉक्स को ओपन कैसे करें। इसके अलावा हमने जो भी बेसिक एलिमेंट्स हैं उनको भी एक्सप्लोर किया। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।